आज हम एक दिन की भूख हड़ताल पे हैं और हर एक जिला मुख्यालय में ये हड़ताल है। देश भर से मैं देख रहा हूँ मैसेज आ रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, ईस्ट और वेस्ट सभी जगह हमारे सैनिक एक दिन की हड़ताल पे हैं और बहुत ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है इस पे। जय हिंद, जय भारत। और आप सभी का स्वागत करूंगा CCN न्यूज 24 चैनल में। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। आज 2 तारीख है और एक बहुत बड़ा दिन दिया है। जंतर मंतर के प्रांगण में पूर्व सैनिकों ने एक आह्वान किया था कि हम 2 तारीख को भूख हड़ताल पर बैठेंगे। और आज जो सैनिक, पूर्व सैनिक मेरे साथ मौजूद हैं, हरियाणा से आए हैं, गुड़गांव से हैं, और बड़े अच्छी बात है कि इनके साथ इनका जो है पोता भी साथ में है और बाकायदा आर्मी की कैप लगा करके बहुत अच्छे से जय हिंद जय भारत करता है ये बच्चा भी। और एक नज़र मैं आपको डलवाऊंगा, देखें यहाँ पे जितने भी यहाँ पे पूर्व सैनिक भाई बैठे हैं, आज सबके गले में एक माला है और माला ये संदेश देती है कि आज सबने, जिस जिसके गले में माला है उसने भूख हड़ताल के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं वो। और बड़े फख्र की और बड़े गर्व की बात है कि ऐसे सैनिकों के लिए दिल से सैल्यूट करूंगा कि उन्होंने भूख हड़ताल की केवल और केवल अपने लिए नहीं, पूरे उन 27 लाख पूर्व सैनिक भाइयों के लिए जो पूरे भारत के अंदर अलग अलग जगह पे हैं और जिनको उनका हक नहीं मिल पाया है। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। मैं एडवोकेट शीशराम यादव, ADC अखिल भारतीय पूर्व सैनिक विकास परिषद का स्टेट प्रेसिडेंट हरियाणा और वेटरन एयर वॉरियर एसोसिएशन गुड़गांव का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। और ये हमारा धरना 20 फरवरी से चल रहा है, आज 133वां दिन है और आज हम एक दिन की भूख हड़ताल पे हैं और हर एक जिला मुख्यालय में ये हड़ताल है। देश भर से मैं देख रहा हूँ मैसेज आ रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, ईस्ट और वेस्ट सभी जगह हमारे सैनिक एक दिन की हड़ताल पे हैं और बहुत ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है इस पे। मेरा कुछ संगठन है जो भाई आपस में नाराज़गी चल रही है, उसमें मैं नाम लेके बोलना चाहूँगा, वीर बहादुर जी हो, सेंगर जी हो, हमारे राठी साहब हों, ये सब मतभेद भुला के हम एक छत्र के नीचे आएँ और जो भी है आपको उचित वो दिया प्लेटफॉर्म दिया जाएगा और उसमें आप, हम सब पूर्व सैनिक हैं, हमारी कौम एक है। अच्छा साहब, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, आज भूख हड़ताल का रखा है, क्या सोच करके भूख हड़ताल पे आप लोग आए? ये 133वां दिन था और हम सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाह रहे हैं। हमने 3 अप्रैल को DM, जितने भी DM सबको ज्ञापन दिया था, राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, रक्षा मंत्री महोदय के नाम। उसके बाद 30 अप्रैल को हमने सारे सांसद, राज्यसभा, लोकसभा ज्ञापन दिया था हमारी मांगों के लिए और जो भी भेदभाव है, आरोपी में विसंगति है उसके लिए। और 30 मई को फिर हमने जितने भी SDM हैं, तहसीलदार, उनको फिर याद दिलाया था कि हमारी मांगों को आगे बढ़ाइए और हमारा धरना शांतिपूर्ण, अनुशासित और लोकतांत्रिक तरीके से चल रहे हैं। हमें कोई ऐसी भी जवान या वो नहीं बोलेंगे जो देश के प्रति कोई गरिमा को ठेस पहुंचे और जवानों की हमारी जो इमेज है उसको कोई ठेस पहुंचे। हम बिल्कुल संगठित और बिल्कुल अनुशासित तरीके से कर रहे हैं। ये आज की एक दिन की भूख हड़ताल इसीलिए रखी है, इससे एक तो आप व्रत रखते हो तो उससे आपके शरीर में काफ़ी बदलाव आता है और अच्छी भावना उसको जन्म देती, अच्छे विचार आते हैं। और इसके बहाने हम सरकार से भी एक अपील करेंगे और वो सैनिकों की मांगों की तरफ ध्यान दें। 3 सदस्यीय आप सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेज या जो भी सरकार उचित समझे वो कमेटी बनाए, जो विसंगतियाँ हैं और उनके लिए आपका अवलोकन करें। हमारी सिस्टम से लड़ाई है, किसी इंडिविजुअल से नहीं है। जो सिस्टम के अंदर खामियां हैं, जो डिसाइड करते हैं वन रैंक वन पेंशन, उसमें रिप्रेजेंटेशन सभी का हो, हमारी फेडरेशन के भी उसमें सैनिकों का उसका उसमें लिया जाए, उपस्थित किया जाए, ताकि जो भी विसंगतियाँ हम बता सकें और सरकार उस पर फिर विचार कर सके। जैसे कि आज आप लोगों ने बताया कि आज भूख हड़ताल रहेगी और तमाम जितने भी पूर्व सैनिक है सभी भूख हड़ताल पे, जितनी देर जंतर मंतर का समय है 4 बजे तक का, वहाँ तब तक भूख हड़ताल रहेगी कि आज पूरा दिन? हम 4 बजे इसको सभी का व्रत खुलवा देंगे, जूस या फ्रूट खिला के। और हमने ये भी कहा है, कुछ हमारे वरिष्ठ हैं पूर्व सैनिक जिनको कोई सेहत से संबंधित समस्या है वो भूख हड़ताल पर ना बैठें, जो सक्षम हैं वही सिर्फ बैठें, क्योंकि जिसको शुगर या कुछ और डिजीज़ हैं उनको टाइम पे दवाई लेनी होती, खाना तो हम उनके लिए, उनको शामिल नहीं करें, वो हमारे समर्थन में बैठे। जो सिर्फ माला पहने बैठे वो भूख हड़ताल पे, बाकी हमारे समर्थन में। अच्छा आप लोगों ने साहब यहाँ पे 20 फरवरी से धरना प्रदर्शन भी किया, आंदोलन जंतर मंतर पे चल रहा है, लगातार आज तक चल रहा है, उसके लिए धन्यवाद दूंगा। आप लोगों ने DM को भी ज्ञापन दिया, मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया
और अब भूख हड़ताल करी। लगता है इन तमाम चीज़ों के बावजूद सरकार आप लोगों की तक जागेगी, क्योंकि हो सकता है ज्ञापन तक तो पहुंच गया हो लेकिन रिप्लाई नहीं आ पा रहा है। नहीं, वो रिसीव हो गया, रक्षा मंत्री जी के यहाँ से भी एक्नोलेज आया, PCDA को भेजा, वहाँ से ही रिप्लाई आ रही, और सांसदों ने जो भेजे उनको भी लेटर भेजा कि हमने रक्षा मंत्री जी को भेज दिया, उनको मिल चुका है। परंतु ये है कि हम बिल्कुल गांधीवादी तरीके से चल रहे हैं, हमने कोई भी आक्रोश अभी ऐसा पैदा नहीं किया, हमारे अंदर जो नाराजगी वो हम प्रकट कर रहे हैं। नहीं, वो सब ठीक है। क्या भूख हड़ताल के बाद आप लोगों को लगता है कि सरकार आप लोगों की विसंगति के ऊपर कुछ चर्चा करेगी? जरूर उम्मीद है, अभी पार्लियामेंट से शुरू होना मानसून सत्र, और हमने जो सांसद हैं उनको फिर याद दिलाएंगे, अब जो ज्ञापन दिया था उसके बारे में आप संसद में ये आवाज़ उठाइए, और नहीं उठाएंगे तो जैसे सत्र शुरू होगा, शायद 18 से शुरू हो रहा है, उसके बाद सांसदों को याद दिलाएंगे, हमने पक्ष और विपक्ष सभी को दिया, हमने राव इंद्रजीत जी जो सांसद गुड़गांव से उनको भी ज्ञापन दिया, और भूपेंद्र हुड्डा जी हैं जो सांसद राज्यसभा हैं विपक्ष में हैं उनको भी ज्ञापन दिया है। तो हमें उम्मीद है पक्ष और विपक्ष सभी हमारी मांगों को पार्लियामेंट में जरूर उठाएंगे और सरकार इसके ऊपर जरूर कुछ कार्रवाई करेगी। ठीक है, देखिए वाकई बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही, हालांकि संसद भवन नया बन गया है, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा उस सरकार से कि जो संसद भवन जो नया बनाया है उसके अंदर जो नेताजी बैठेंगे उनकी सोच भी थोड़ी सी नई हो जाए, और जो पूर्व सैनिक भाई हमारे यहाँ पे जंतर मंतर पे बैठे हैं, और हालांकि सिर्फ जंतर मंतर के सैनिकों ने आज भूख हड़ताल नहीं करी, पूरे भारत के तमाम सैनिकों ने जो है इस भूख हड़ताल के उसमें सम्मिलित हुए हैं, और उन्होंने भी प्रण किया है कि हम भी आज जो है जल को त्याग करके एक सरकार को ये निर्देश देना चाहते हैं, ये संकेत देना चाहते हैं कि सैनिक भूख हड़ताल पर बैठा है और आप जागें, कम से कम जो सैनिकों के साथ जितने भी भेदभाव हुए हैं उनको दूर करने का प्रयास करें। नए संसद भवन बनने का जब फायदा है, जब उम्मीद नई हो, सोच नई हो, विचार नए हो और काम नए हो। इनका पोता भी मेरे साथ है, मैं इनसे भी बात करूंगा। क्या नाम है बेटा आपका? युवान राव। एक बार जय हिंद कर दो। जय हिंद। देखे कितने अच्छे तरीके से। जी राइट से, राइट से कर दो। जय हिंद। जय हिंद। अच्छा, जंतर मंतर पे आप आए हो, क्यों आए हो आज यहाँ पर? आज जंतर मंतर पे क्यों आए हो? दादू के साथ आए हो ना बेटा? क्यों आए हो, कैसा लगा आपको आके बताओ? अच्छा, अच्छा लगा। बहुत सारी सरकार ने चीजें आपके दादू को जो सेना के अंदर हैं उनको नहीं दी है, क्या कहोगे? सरकार अच्छा कर रही है गलत कर रही है? पेंशन कम मिल रही है? नहीं, पेंशन कम मिल रही है। देखिए बच्चा छोटा है लेकिन उम्मीद बड़ी है, और बता रहा है कि दादू को पेंशन कम मिल रही है, और सच्चाई है, उसी के चक्कर में यहाँ पे तमाम पूर्व सैनिक भाई बैठे हैं। अच्छा, बड़े होके क्या बनना चाहते हो आप? पायलट। पायलट बनना चाहते हो, और कैप भी आपने लगा रखी है इसीलिए। क्यों बनना चाहते हो पायलट? किसी को कहीं और भेजने के लिए। किसी को कहीं और भेजने के लिए। ईमानदार पायलट बनोगे, बेईमान पायलट बनोगे? ईमानदार ईमानदार बनेंगे। और वाकई देखे, जब छोटे छोटे बच्चों को पता है कि पेंशन कम मिल रही है, मतलब कहीं ना कहीं विसंगति तो है, तो सरकार में बैठे हुए पढ़े लिखे लोगों को क्यों नहीं पता, पढ़े हुए नेताजी लोगों को क्यों नहीं पता, जबकि हम लोग सब वोट देकर के, और वोट की ताकत की, और मैं बता दूं कि इन लोगों की वोट कम नहीं है, 27 लाख से ज़्यादा पूर्व सैनिक हैं, और एक सैनिक के पीछे कम से कम 5 या 7 बंदे जरूर होंगे, तो सोचें कितनी वोटों का असर पड़ सकता है। और हम लोग वोट क्यों देते हैं? ताकि हम लोग एक अच्छी सरकार चुनेंगे, इसलिए ताकि वो हमें अच्छी शिक्षा, अच्छी सुविधा और अच्छी फैसिलिटी हमें देगी। लेकिन ये सरकार क्या करते हैं, हम लोग उनको रोजगार देते हैं, हम लोग उनको एक आम आदमी से एक विधायक, पार्षद, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री चुनते हैं, लेकिन वो लोग हमें बेरोजगार बनाने का काम करते हैं। इनके साथ विसंगति पैदा की है पूर्व सैनिकों के साथ, इनको पेंशन पूरी न देकर के। आज के युवाओं के साथ विसंगति होती है, उनको रोजगार न देकर। बात की गई थी 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा, लेकिन रोजगार कहां है? कहा था तेल और उसके पेट्रोल के रेट कम होंगे, लेकिन लगातार तेल और पेट्रोल के रेट बढ़ते जा रहे हैं। कहा था महंगाई कम होंगी, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। कहां बढ़ रहा है देश? नए संसद भवन की जरूरत नहीं थी, जरूरत ही हमारे नेताजी लोगों की सोच बदलने की और उनका नजरिया बदलने की। जिस दिन हमारे संसद के अंदर बैठे हुए हमारे जितने भी सांसद हैं, नेताजी लोग हैं, वो अपनी सोच बदल लेंगे तो देश जरूर तरक्की कर जाएगा। जय हिंद, जय भारत।